तेरा वर्गे खुला दिल के आदमी बहुत कम रह रहे हैं जो डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत कौन सी पार जा रही है जमा इबे प्यार का। एक मिनट, मेरा गांव इक्कीस भाई मोहिटूल, इक्कीस जिला प्रधान आरक्षण संघर्ष समिति भारतीय हिंदू सभा भी, तो भाई साहब हाँ किसान नाला जो पूछ भाई बीज की बात कहो तुम भाई बीज को है लाठीचार्ज को नया भाई साहब 100% मान के चाल लिए अगर जो इस चीज का वो हो गया नहीं मतलब ये दिग्विजय रंग हला रहे हैं जांच करवा दिए भाई महकमा बता दिए प्रशासन किस पे बीज की दग्गर आ कुर्सी का लात ला गई जाके क्या ज्यादा कौन बोलता है अकेला कहता है कौन नहीं मैं मतलब करवा लाठीचार्ज ये दिग्विजय ने बेरा होटल पहुंचेगी 3 दिन में यहाँ बंद हो जाए यार। अरे क्या कहता है अंधभक्त ताले काम भाई दिग्विजय के का है मतलब दुष्यंत का खोट बताओ करोना में कान ओडा लेगा बाजा खट्टर खड़े बैठा मैदानता के बाद में ई भी जो कहानी थी खट्टर तो था को नहीं भाई वो भी मैदानता में बैठा था बाद में आया 10 के बाद में 13 ना आया बहर तो भाई मेन चार्ज बता भाई किस पर आ गया दिग्विजय सॉरी दुष्यंत चौटाला पर आ गया दुष्यंत चौटाला किसने आदेश देगा लाइन ऑर्डर किन्ने देगा अपने डीजीपी है ना डीजीपी आईजी आईजी एसपी वह जो प्रणाली है वह लाठी चार्ज में इसका बिल्कुल है भाई आपा कहा भाई और जेजेपी का जिला जींद के प्रधान भी है भाई खेल प्रकोष्ठ के फिर भी कहा भाई ठीक है ना जज पिल्ले जो जज पिल्ले मेरे गल बहुत बहस बस है भाई जज पिल्ले की फेसबुक सोशल मीडिया पर सीधे कहा भाई से ना तारे बड़े जज पिल्ले भाई इलेक्शन में दी थी मामला एंटी बीजेपी वोट दी थी ठीक और आगे दी थी वह उड्डे की दी थी और जो से अड़ी बांध दो भाई फेस आज भाई कितने टकर लियो अरे भी कहा भाई और एक दो और सवाल थे जो से थे इतने प्रधान जी ने बताया कंगना रणौत भाई 4 सितंबर भाई मीडिया पता है 4 सितंबर भाई सब कितने दिन बता दे नेशनल मीडिया तरती नहीं कहते भाई अपना लोकल मीडिया भाई नेशनल मीडिया पे 4 मतलब 2 महीने था यार बसड़ होगी टीवी का लात मारने की दिख रहा सुशांत सिंह कंगना रनौत की रियलिटी बता ठीक है। बीजिंग में 2013 की वीडियो आई थी ई फिलहाल जमा बीजिंग में जो मनुख जी डाल नाचल लाग रही थी वह तन्ने बेरा होगा मेरे में तो क्यों को आएगा तो मैं खुद हिंदू सभा का साथी रह रहा यार मने देनी आऊंगी बात तो कहने की अगली बार सुन भाई और सुशांत सिंह राजपूत कहेंगे सर काट के ले रहे भाई वोटर पर आतंकवादियों के उनके बताए दो भाई ये बताए देने यार अगर सरकार मूल्य पे खरीदा है कौ है तेरा कहना है कौ है तो एमएसपी मूल्य का चौथा अध्यादेश न्यारा लागू कर दो भाई 3 ये ले दिया चौथा अध्यादेश न्यारा लागू कर एमएसपी खुद जो है यूनु कानूरा होगा एमएसपी पे खरीदी जाओ एमएसपी की बात करी हाँ एमएसपी पहले एक मिनट जिस जो पॉइंट ना सरकार पिछले तो अढ़ाई दिन तक लेकर चल रही नहीं एमएसपी पे खरीदता है देखिए टूटने को सलाह आपने पिछली बार नरमा बेची हाँ नरमा बेची थी हाँ बेची एमएसपी बिकी थी कौन ही बिकी कौन ही बिकी नहीं बिकी तो फिर कारण है यार एक बात बता कंपनी का तू नाम ले नहीं यार ये चलेंगी बात है मेरा तो लागो कंपनी का नाम ले एक मिनट ब्रदर एक मिनट सुन सुन आज अपना बाजरा बिकने लग रहा है बाजरा कौन सी ने लिया भाई एमएसपी बता मैं ये कह रहा हूँ आप 1200 कौन सी ले रखा एमएसपी पर अरे सारी है इस कानून में यार इस कानून में क्या दिक्कत है पहला भी ऐसा एमएसपी कौन था ईप की दिक्कत के ले आओ फिर सरकार क्या वोट दे रखी है भाई दुष्यंत इस मकान बैठा रखा भाई किसाना खतर बैठा रखा किसाना खतर बैठा रखा फिर एक मिनट भाई मेरे भाई बात सुन चलो चाहे तो हमारा पहला नु कानून जुकर चला था नहीं नु चाल यार रहने दो फिर ये हमारा थोबो क्यों थोबो के तो मां भी पक्की चीज मांगा है भाई भाई साहब एक दूसरी चीज हां थोड़ा सा हां हां बोलो अगर इस देश में कमी नहीं होती है तो पंजाब की मंत्री इस्तीफा ना देती ना और अपनी कुर्सी तो कोई मैं इसमें एक छोटी बात एक और है अपने यहाँ तक अपना यहाँ तक ना संसद आ रहा है वीरेंद्र का लड़का आ रहा होगा जितनी जवाबदेही दुष्यंत चौटाला की है उतनी जवाबदेही वीरेंद्र का लड़के की भी है वीरेंद्र जी नू निकाल सकते रुक जा भाई दिग्विजय सॉरी दुष्यंत चौटाला ए नू ठाक है अरे नू ले जा रखा भाई ठीक वो तो राजनीति परिवार तो था नहीं जो उसका बाप
दादा एक छोटू राम का नाम के खाओ, पहली गलती है भाई छोटू राम का नाम के खाओ तो आओ भाई किसान के समर्थन में ठीक। और दिग्विजय सॉरी दुष्यंत मतलब जनता क्या देना राजा भाई किसान कमेरा जो दोनों से यार मुट्ठी गला ठाला जोर वाला ही हो नहीं सारे ने वोट दे रखे राजू ने वीरेंद्र के भी 3.5 लाख वोटर जे यहीं के लोग जताया फिर ये रोष इसलिए है दुष्यंत के खिलाफ क्योंकि आज ये खट्टर सरकार दुष्यंत की उस पर टिकी हुई है। दुष्यंत अपना समर्थन वापस लेता तो सरकार डगमगा जाएगी और ये अध्यादेश वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये दुष्यंत सरकार के पट्टी की है, दुष्यंत आपका समर्थन वापस लेगा ना तो ये सरकार गिर जाएगी और फिर से साथ में समर्थन ओनली इस्तीफा का काम नहीं चला भाई समर्थन लेना पड़ेगा, समर्थन साथ में लेना पड़ेगा, इस्तीफा देगा यार समर्थन रख के जाओ उसका कोई बहम नहीं है, लॉलीपॉप देने छोड़ दो बतेरे मतलब बेक लिए और नहीं बिकना चाहते भाई मतलब 2012 तक ध्यान लग रहा। एक चीज भाई साहब एक मिनट में आप तो मेरा आप तो सवाल है पब्लिक एक चीज बोल रहा है कि वोटों के टाइम पर दुष्यंत छोटो हर पार्टी की बात करा हर पार्टी का आदमी आवा है पब्लिक के बीच में आवा है बड़े बुढ़े का आशीर्वाद भी ले हो ताऊ ताई पूरी राम राम रखा है ईब हुआ मैं बुजुर्गों तभी बात करी है लोकल एरिया की जो आप तब आत्मा शेयर करना दो वहाँ बुजुर्ग न्यू कहूँ कि ईब उनके गट्टे क्यों तुड़वाने लग रहा है ईब चलो टूट गए और उसने को नहीं तुड़वाए ईब संभालन क्यों नहीं आता इसका मतलब कुर्सी मिल गई भाई साहब नुका हरा लालच सब तो बड़ी चीज़ हुआ है वो लालच उनका पूरा आ गया। एक छोटे ही मैं तने एक उदाहरण देना चाहूँगा जब तू तेरी आज्ञा हो तो आज्ञा हो तो एक हो काको कहानी बताऊँगा भाई एक हो है काको एक आऊ ठीक है और एक हो है मान ली काको और आऊ है एक भाई वहाँ चाल पड़ी काको जंगल में था बलियाले मैं मरू हूँ बलियाले मैं मरू हूँ राम पा गया उन्हें आऊ पा गया नु बोले मौसी की जा है नु बोले भाई मरण जाऊ नु बोले क्या था नु बोले कि मैं हो वो कोई नु कहते काको लेगी मैं बदनाम कर दी काको लेगी बदनाम कर दी फिर आओ बोलिया बलियाले बुआ मैं भी चलूँगा मैं भी मरूंगा नु बोले भाई तू क्या था मरेगा बलियाले मैं भी नुए मरूंगा मृत्यु भी नुए कह दे हैं बलियाले जा आओ लेगा आओ आ जाएगा आओ आ जाएगा तो यह कहानी है भाई वह कहानी वह दोनों चल पड़े जाके काको ने तो कुएं में डाक मार दी और वो आऊ रह गया बैर खड़िया क्या था वह शर्म थी तीसरी शर्म थी वह शर्म बलियाले मैं भी चलूंगी मरण नु बोले क्या था भाई तू क्या था मरण चल लगी बलियाले करे कोई बो कोई नुकते तेरी शर्म उतर रही है शर्म की तो बात वाह है भाई वह शर्म तो चाली उन तीनों गए इकट्ठी हो गए वह शर्म तो मार गई कुआ में डाक है और वह काको राहू आज भी जिंदा है कहने की बात बेरा गई वह शर्म थी नहीं नेता की वह मर ली भाई कुआ में पड़ ली बेशरम हो रहे हैं मतलब ई वो कारण है वो कुर्सी का स्वार्थ पब्लिक था सुतरा लग गया है वह शर्म मर ली यार छाती बहादुर का जो यार किसके समय आ जाएंगे यार एक बात बता दे जोर से बात है उनका जो क्यों आ रहा अपना मेनू कार्ड हुआ है जो घोषणा पत्र हुआ है एक भी बात पूरी हो तो बताओ यार एक बात बता हाँ, एक मिनट हाँ। यो जो धरना हो रहा है ना यो क्या काम धरना है यू है भाई जीन चलेगा रुके जीन चलेगा फिलहाल एज प्रेजेंट आप भी किसान हो मैं भी किसान हूँ मैं भी उठ के आया हूँ ये भाई भी किसे दर्द में आया होगा दर्द में आओ सारा आयोग या जो बात तो समझाना लग रहा नहीं या ई बल्लक उन लोगों तक पहुंची कोई किसान तक है इस यो जीन जिला का धरना में अगर यार रैली होनी नहीं यार 50,000 आदमी चलो एक चीज और मैं आपको शेयर करना चाहूंगा बात भाई चलो अध्यादेश की बात करें आपने केला गई तक सरकार ने पूरा खोल के दिखाया नहीं है किसान तक अध्यादेश हाँ अध्यादेश तो देख पारित हो लिया आज राज्यसभा में पब्लिक आगे समझा दिया पब्लिक आगे समझा दिया वो अपने लेवल पर समझाने लग रहे हैं ठीक है ये अध्यादेश बिहार में भी लागू हुआ था मेरे भाई ठीक है सवाल ये नहीं है लेकिन जो किसान आज समर्थन दे रहे हैं ना इस समर्थन तक कुछ नहीं होता इस समर्थन तक सरकार पे जू भी नहीं रेंगती ना इससे कुछ होगा वो कानून आज बन गया कौन सी चीज सरकार के मतलब जब मेरे भाई जब हर घर में एक आदमी बाहर निकलेगा और अपना विरोध प्रदर्शन करेगा यो भाई जो MSP की बात कर रहा था ना MSP तो इबी भी जो आप नकली MSP वाला लागू हो रही है उसके बावजूद भी अपनी नरमा 4700 रुपये पीटी है आप कह रहे हो भाई एक घर थे एक किसान पीपली में हजारों लाखों की संख्या में किसान थे कुछ तो पूछने नहीं दिए भाई जी लाखों की संख्या में तो कोई थे हजारों लेकिन उस दिन जो आंदोलन होया वो उस आंदोलन में
ठीक भीड़ थी, वो संदेश ठीक गया, वो संदेश ठीक गया। आज आप अड़े हैं, चलो आप ना, कोई बात नहीं है। एक सेकंड बात रुको, संदेश ठीक किस तरीके का, मतलब लाठीचार्ज जो है तो संदेश गया नहीं, कौन सा होता ना 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 किस तरीके का? किसानों ने जो एकता दिखाई ना, उस एकता के हिसाब से ये था कि आज, लेकिन आज 20 तारीख ने, आज ये होना चाहिए था हर जगह अच्छे ढंग से विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। पिछली बार भी अच्छे ढंग था भाई, पिछली बार लाठीचार्ज क्यों कराया गया ये बताओ? पिछली बार मेरा है एक छोटा कारण लगा भाई, मन ने मेरी उस जाट रक्षण के बड़े भुगत भोगी हम भाई त्रशामी कड़े, तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी अपने प्रधानमंत्री की, आई थी कोई नहीं आई होगी। कह लगा न्यूज चैनल देखने लग रहे हो, प्रधानमंत्री भी इस बारे में बोल रहा है, कितने ने कि मैं खाए जाऊ जब बोलिया होगा भाई। हाँ अगली भी सुन भाई, रियलिटी जो मतलब जो जड़त है, चाबी लाग गई नहीं, वो चाबी बेरा गड़त लाग गई, जो 10 सांसद बैठा रखे है नी, इन तो लग गई भाई, अरे यहाँ एमएलए बना रखे 90, चलो भाई सारा हरियाणा, चलो भाई जोन सा मामला यू कोशिक बना रखे भाई, सोनीपत में वहाँ जींद गांव इक्कस है, तो ओड़ा चलो उनका लाग गया ही नहीं, मरौड़ी तब आओगे यार हांडी दो भाई, बहुत माले आड़े। हाँ भाई चलो, हमारा धर्म है, हमारा क्रम है, हमने लड़ना पड़ेगा, किसान का मेरा। आपके इस धर्म में यह सच्चाई है, जेजेपी का बीजेपी का कोई भी आदमी 10% मारा जेजेपी का भाई, पर तेरा वर्ग खुले दिल के आदमी बहुत कम रह रहे हैं जो जेजेपी का। फालतू ही बोलते नहीं, जय राम जी की।